वो तो इसपे चेयरमैन नैब के स्टेटमेंट पे, एक तो जो उन्होंने तर्जुमानी करते हैं, मैं इस तरह लगता है जैसे वो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी ना एनआरओ दूंगा, वो प्राइम मिनिस्टर और वजरा की जबान इस्तेमाल कर रहे हो, तो दूसरी तरफ उन्होंने तासुर को जाहिर करने की कोशिश की कि जी हम हुकूमत का एक दफा शुरू तो किया था, इसी तरह का इंटरव्यू दिया था, तो उनकी वीडियो आ गई थी। अब अल्लाह खैर करे उनके साथ कि कल उनके साथ क्या होता है, इस पे तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती। और दूसरी बात, इन्होंने लाड़काना की थी तो हमने घोटकी की थी, वो सीट जो इन्होंने जीती हुई थी वो भी हम पीपल्स पार्टी जीत के आई है। इन्होंने तमाम पार्टीज का अलायंस बना के, सिर्फ एंटी पीपल्स पार्टी, इन्होंने तमाम पार्टीज का अलायंस बनाया। और जिस तरीके से वहां पर धांधली की गई लाड़काना में, इंशाल्लाह ताला लाड़काना की सीट कल भी हमारी थी, आज भी हमारी होगी। आज जो ये हुकूमत में बैठे हैं, जहां जहां जिस तरीके से 2018 के इंतखाबात में इन्होंने धांधली की और धांधली के जरिए, रेंजेस के जरिए इन्होंने रिजल्ट को तब्दील कराया, इस तरीके आप आजाद और शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात करा रहे, आज पता चल जाएगा इनके तो एक डिप्टी स्पीकर का हलका खुला, पूरी कौम ने देखा कि कितनी बुरी तरीके से वो हारे।